हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हल्दी सेटअप के बारे में, कितने तरह का हल्दी सेटअप होता है और आप, मैंने इसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ, आप किस कैटेगरी में आते हो ये आपको आज बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इससे आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरह का सेटअप कराना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर वन का। ये हल्दी, इस टाइप का हल्दी गांव देहात में मनाया जाता है, इसमें किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं होता है। गांव की महिलाएं, घर की महिलाएं जो दुल्हन को या फिर दूल्हा को हल्दी लगाकर सिंपली ये रस्म को पूरा करते हैं। जब आप छोटे रहेंगे या फिर गांव में रहते होंगे तो ये चीज़ आप ज़रूर देखते होंगे। तो इसमें किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं होता है। जाहिर सी बात है, इस कैटेगरी में अभी आप नहीं आते होंगे, आप दूसरा, तीसरा या चौथा कैटेगरी पर आते होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, अगर दूसरे नंबर के हल्दी सेटअप के बारे में बात करें तो इस हल्दी सेटअप को ज़्यादातर लोग कराना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पैसा बहुत ही कम लगता है। इसमें एक सिंपली सा एक बैकड्रॉप बनाया जाता है जिसके सामने दूल्हा या फिर दुल्हन का हल्दी सेरेमनी या फिर हल्दी लगाकर हल्दी का रस्म कम्प्लीट किया जाता है। इसमें और कोई भी खर्चा नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इसका अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये हमारा 5,000 से 20,000 के बीच का डेकोरेशन होता है। साथ में कोई लोग क्या करते हैं कि वीडियोग्राफर फोटोग्राफर रखते हैं तो उसका चार्ज अलग होता है। तो ये सेटअप आपको 5,000 से 20,000 के बीच में हो जाता है। ये सेटअप सबसे ज़्यादा अभी यूज होता है फ्रेंड्स। हल्दी में ये सेटअप भी काफ़ी ज़्यादा कराया जाता है। इस सेटअप में होता क्या है कि घर के छत पे एक अच्छा सा डेकोरेशन होता है, टेंट लगाया जाता है, साउंड सिस्टम होता है, वीडियोग्राफर फोटोग्राफर, डेकोरेशन, खाने पीने का अरेंजमेंट, इसमें सारा कुछ होता है अपने घर पे। या फिर एक छोटा सा होटल बुक कर लिया जाता है या धर्मशाला बुक करके ये सेटअप को कम्प्लीट करके एक अच्छा सा हल्दी सेरेमनी मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसमें 50,000 से लेकर 1,00,000 या उससे ज़्यादा खर्चा आता है। तो ये सेटअप आप अपने वेडिंग में बिल्कुल करा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी गेस्ट लोग 100 गेस्ट के आसपास या उससे ऊपर भी आप इनवाइट कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है इस सेटअप का। और सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हमारे चौथे सेटअप के बारे में जो कि काफ़ी महंगा, खूबसूरत और काफ़ी अच्छा सेटअप होता है। फ्रेंड्स, ये सेटअप सबसे ज़्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग में कराया जाता है और बाकी लोग बड़े बड़े बैंकेट हॉल को भी बुक करके इस सेटअप को कंप्लीट करते हैं। इसमें बड़े से जगह पे अच्छा से टेंट का काम किया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक कलर पे होता है जो कि पीला, ग्रीन, ये सारा चीज़ यूज होता है। इसमें ग्रूम का एंट्री, ब्राइड का एंट्री, खाने पीने का होता है, बाकी एंकर लोग होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे गेमिंग वगैरह कराते हैं। तो ये सेटअप महंगा तो होता है लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी होता है। अभी डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन काफ़ी चल रहा है तो ये जो है काफ़ी अभी चला हुआ, काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ है ये। तो फ्रेंड्स, ये सेटअप आप करा सकते हैं अपने डेस्टिनेशन वेडिंग में या फिर आप अगर कोई बैंकेट हॉल को 2 दिन के लिए बुक कर रहे हैं तो उस पर ये सेटअप करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये चारों जो मैंने जो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इसमें आप किस कैटेगरी का सेटअप चाहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।